भाग 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 भाग। ये दोस्त है, दोस्तों के साथ नहीं है, जो मजा लड़कियों के साथ है। चिपक रहे कांटों के अंदर। तो राजू भाई कैसा लग रहा है यार ये जंगलों में आके? आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं यहाँ पर बहुत। आज मैं पहली बार घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। रोड आते ही फिर दौड़ना चालू किया। दौड़ते दौड़ते मैं एक बात सोचता हूँ कि मैं बहुत देर से दौड़ रहा हूँ, पर आजकल आसमान में चिड़िया ही नहीं दिख रही, ऐसा क्यों? थोड़ी देर रुक के मैं देखने लगता हूँ इधर उधर, पर मुझे चिड़िया दिखाई नहीं देती। मिट्टी है पर पेड़ नहीं, आसमान है पर पक्षी नहीं। आज मैं उन चिड़ियों को मिस कर रहा था जो कि हमारी सुबह ही उनकी आवाज़ों से होती है। फिर मैं बिना सोचे फ़ोन को उठाकर निकल जाता हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी की तरफ, अपने फ़ोन में इन पक्षियों को कैद करने। पर एक मिनट, मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ थे दो दोस्त और, जो कि ये भी इन पक्षियों को देखना चाहते थे। हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमें कौन कौन से बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, तो हम अंदर की तरफ बढ़ते गए। एंड ये सारे बर्ड्स दिखेंगे आपको यहाँ पर, बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा आपको दिखेगा। यहाँ पर एक नाव का लोकेशन है, आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लोकेशन है यार। ये एक नाव है जो हम फोटो खिंचवा सकते हैं इस पर, एंड ये लोकेशन भी बहुत ही औसम है। एंड यहाँ पर स्नेक्स का भी दिखाया जा रहा है यार। यहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ भी हैं यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमते हुए। आपको ये जंगल दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ही जंगल में घूम। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा यार, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इसे घूमें, इसका नेचर्स का मजा लें। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स दिख रहे हैं हमें यार, कपल्स, हमने ये सोचा नहीं था कि ये कपल्स यहाँ पर ज़्यादा घूमने आते हैं। बहुत ही अच्छी घूमने वाली जगह है यार, यहाँ का नेचर्स का मजे लेना बस। तो वहाँ पर एक, ये मैं जानता नहीं हूँ क्या है, बतख कह रहा भाई, क्या कहना है? तो भाई हमारे राजू भाई बता रहे हैं कि इसे डक कहते हैं। इसे डक कहते हैं, हैं? क्या है राजू भाई? इसे डक बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको बतख बोलते हैं। यार यहाँ पर जाने वाला रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल एंडाकोंडा वाला लग रहा है, एक मूवी है ना। हाँ, हाँ, ओ भाई पूछो मत भाई, बहुत ही ज़्यादा पानी है उधर, देख रहे हैं आप? देख, आपने एक मूवी देखी होगी, पूरा का पूरा एक दलदल से वो गुजर के जाते हैं उस तरफ, तो वैसे कुछ सीन लग रहा है, हम जाएंगे नहीं उधर। तो आपको ये फोटोग्राफी का बहुत ही अच्छा एक लोकेशन है, आप यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। और आना हो तो भाई एक अपने कपल्स के साथ आओ यार यहाँ पर, लड़का लड़की दोनों। क्योंकि मज़ा अकेले घूमने में नहीं है यार, ये दोस्त है, दोस्तों के साथ नहीं है, जो मज़ा लड़कियों के साथ है। यहाँ पर जितना देखोगे ना आप, लड़की दिखेगी भाई, हम ही तीन लौंडे हैं जो अकेले चल रहे हैं। कोई के लिए लोकेशन दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारे बर्ड्स हैं वहाँ पर, देख रहे कितने सारे हैं। भाई पेड़ों से बचा के रखना यार अपने आप को, हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे, लेकिन कांटे हैं यार यहाँ पर, कांटे हैं, ये देख रहे हो आपको लोकेशन। तो गाइज यहाँ और राजू भाई खड़े हैं। तो राजू भाई कैसा लग रहा है यार ये जंगलों में आके? लग रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है राजू भाई को, देख रहे हो यहाँ पर इतने सारे कांटे यार, हमारे जूते चिपक रहे कांटों के अंदर। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि गांव में बतख घूमते हैं,
तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के बतख हैं, देख रहे हैं आप। ये कौन सा बतख है राजू भाई, हैं? कौन सा है? अरे भाई तो गाइस बहुत सारे आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे बर्ड्स दिखेंगे जो हमने पहले कभी देखा नहीं होगा, बस आपको गांव में या जहाँ कहीं भी जंगल होते हैं ना वहीं पर ये देखने को मिलते हैं। बहुत ही अलग अलग बर्ड्स हैं और यहाँ पर घना सा जंगल भी है जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इधर देखोगे भी तो भी यहाँ पर यमुना जी हैं एंड इधर देखोगे तो यहाँ तो जंगल ही जंगल है। आप लोग इस बर्ड को जानते हो कि कौन से बर्ड है ये? मुझे भी नहीं पता, गाँव में क्या कहते हैं? बनमुर्गी। ये बोर्ड भी तोड़ दिया यार, पता नहीं कौन है यहाँ पर, देख रहे हो क्या हुआ? क्या है? कोई पक्षी बैठा है। अरे हाँ यार, जो ये पक्षी को आपने देखा कभी? ये अपना घोंसले पे बैठी हुई है, बहुत ही प्यारी पक्षी है। आप लोग को इन पक्षियों के नाम पता होंगे तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखना। भाई ऐसे ऐसे बर्ड्स बहुत घोंसले में बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो गाइज अभी हम जंगलों में घूम रहे हैं, जंगलों में भाई घूमने में मजा मजा है यार। क्या जा रहा है भाई? सांप देख रहे हो? सांप 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 भाग 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 भाग, भाग। ओए भाई भाई आपको स्नेक दिखाऊं? दिख रहा है स्नेक जा रहा है। तो गाइज आपको ऐसे ऐसे स्नेक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आपने देखा नहीं होगा। एक स्नेक्स मिले हैं और भी स्नेक्स होंगे इसके अंदर, अभी देखते हैं कि कितने स्नेक्स मिल सकते हैं। यहाँ पर एक नेवला का बच्चा था, इसकी माँ भी होगी यहाँ पर आसपास घूम रही होगी। निकलते हैं यहाँ से, आपको दिखाया, पता नहीं कुछ खा रहा था वो। और ऐसे प्लीज़ जंगलों में ना घूमें क्योंकि यहाँ पर डर रहता है कि कौन सा जानवर आपके पैर को नुकसान पहुँचा सकता है। सॉरी, देखो अभी गिरते गिरते बचा। आपको कौन सा जानवर कहाँ नुकसान पहुँचाएगा आपको भी अंदाज़ा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जो कि इसमें सांप हो सकते हैं, एक कोई सा कीड़ा हो सकता है। अच्छा इसका लोकेशन है, यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग लोकेशन का अलग अलग मजा है यार। आप लोग एक बार यहाँ पर आके घूमें, आपको नेचर से बहुत अच्छा जुड़ने को मिलेगा। तो गाइज आप लोग ट्रैकिंग लवर हो तो अच्छी है, बर्ड्स लवर हो तो ये जगह अच्छी है एंड नेचर लवर हो तो बहुत ही अच्छी है और कपल्स हो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा जगह है यार घूमने के लिए। तो गाइस कभी भी आप आएंगे तो एडवेंचर्स का मजे जरूर लेना यार। ये खोखला पेड़ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़ा सा चढ़ने में भी, और यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा है यार। जब पास में यमुना जी हो या पानी हो तो बहुत ही औसम, आई लव इट। एंड अब आते हैं, आप लोग कभी भी आए तो ऐसे ट्रैवल का जरूर मजे करें और यहाँ का पेड़ों का बहुत ही ज़्यादा मजे लें क्योंकि इस पेड़ में ऐसी खासियत होती है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं,
देखते हैं कि क्या हमें और कुछ दिख सकता है। तो अभी हम जंगल में घूम रहे हैं। अब जंगल में घूमते घूमते कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए बहुत ही अच्छा है। अभी हम एनाकोंडा का बच्चा ढूंढने आए हैं, देखते हैं वो एनाकोंडा का बच्चा है कहाँ। I'm joking! आप लोग इस जंगल में आके घूमिए, आपको गांव का बहुत ही ज़्यादा याद आएगा और मज़ा भी आएगा। आप लोग यहाँ पर विजिट कीजिए और नेचर से जुड़िए, क्योंकि इनका मज़ा ही कुछ अलग होता है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये आपको कौन सा वर्ड इसमें से अच्छा लगा। आपको जो भी वर्ड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फिर से कमेंट कीजिएगा कि कौन सा वर्ड्स देखना है आपको। उस वर्ड्स को हम दिखाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो ये ब्लॉग हम यहीं कम्प्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe my channel. Bye bye, tata.